हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बताने वाले हैं हेयर कट। तो अगर आपका फॉरहेड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो उसके लिए एक हेयर कट बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, आप इसको घर में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि एक तो बालों में शैम्पू किया हुआ हो, ऑयल ना लगाओ, उसके बाद आपको पानी से थोड़ा सा बालों को स्ट्रेट कर लेना है ताकि बाल मुड़े हुए ना हो, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम यहाँ पे फ्रंट में, क्योंकि साधना कट टाइप का एक कट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉरहेड ब्रॉड है उन लोगों के लिए, तो आपको थोड़े से बाल आगे से इस टाइप से जैसे वीडियो में दिख रहे हैं आगे करना है। बाकी आपको ये एक रफली आइडिया है और बहुत प्रोफेशनल नहीं है, पर फिर भी आप इस रफली आइडिया से अपना हेयर कट कर सकते हो बहुत अच्छा सा। तो इस टाइप से हमने आगे के जो बाल हैं वो ले लिए। फिर हमें लेयर डिसाइड करनी है। तो पहली लेयर अगर हम ज़्यादा बालों की ले रहे हैं तो उसे हम लिप के नीचे जो है वहाँ तक लेंगे और पूरा कैची से इस टाइप से कट कर देंगे। आप चाहें तो पीछे बालों को टाई कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे से आपको फॉरहेड के पास जितने बाल आ रहे हैं उन्हें आगे की तरफ लेना है। तो इनसे एक लेयर बन जाएगी आपकी, जो आपके ईयर्स के पीछे तक जाएगी। स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं कटिंग, उसके लिए होता है। तो दोस्तों, इस टाइप से जो फर्स्ट लेयर थी वो हमने काट दी है। अब ये वाले जो बाल हैं ये हमारे कान के पीछे जो है वहाँ तक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार कॉम कर लीजिए। फिर अब क्या करना है आपको, हल्के से फर्स्ट लेयर आपको बालों की लेनी है जो आपके फॉरहेड पे आते हैं बेसिकली। इससे पहले हमने काफ़ी पीछे तक के बाल लिए थे, अभी हमें फ्रंट के जितने भी आते हैं जो हमारे फॉरहेड पे आते हैं उन्हें लेना है। अब हम इन्हें थोड़ा सा और ऊपर कट करेंगे ताकि एक जो शेप होती है, लेयर होती है, वो अच्छे से बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बाल काटे हुए थे वो इस टाइप से छोटे छोटे हो रहे हैं। तो हमने यहाँ से बहुत स्मूदली फ्रंट पे जो हेयर्स आ रहे हैं उनको लिया है। अब हम इन्हें बहुत धीरे से, इन्हें आपको कहाँ तक काटना है ये आप डिसाइड करेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा आइस के नीचे तक का वो चाहिए था तो हमने वहाँ तक इसको नाप लिया है। आप कोशिश करना कि जितना भी आप इसको देख रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो थोड़ा ऊपर जाती है। तो हमने यहाँ पे इसको पूरा काट लिया। अब आप शेप देखेंगे कि पूरा बालों की जो शेप होती है जो हमें फॉरहेड पे चाहिए थी वो आ जाती है। जिन लोगों का फॉरहेड बहुत ब्रॉड होता है उन लोगों के लिए कटिंग बहुत बेस्ट होती है, अच्छी भी लगती है और घर पर बहुत ईजीली। इसमें बेनिफिट ये है कि घर पर आप काट रहे हैं तो एक्स्ट्रा हेयर कट नहीं होता है और बहुत आसानी से भी हो जाता है, कॉस्ट भी नहीं लगती है इसमें। अब आप बालों को फटाफट से कॉम कर लीजिए। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो आप उससे पहले बालों को सेट कर लीजिए। फिर आप जिस भी साइड में बालों को पूरा हेयर स्टाइल जो भी बनाते हैं तो आप देखेंगे उसमें पूरा आपके बालों की इस टाइप से शेप आ जाती है। और ये बहुत यूनिक भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, फॉरहेड भी नहीं दिखता है, ब्रॉड लगते हैं, हेयर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कटते हैं। तो इस तरीके की अगर कटिंग आपको पसंद आती है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आती है कमेंट करना, अपने फीडबैक ज़रूर देना और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।